بسم الله الرحمن الرحيم जिंदगी में चैलेंजेस, मुश्किलात और नाकामियां हमारे सामने आती हैं। हर एक के रास्ते में कुछ न कुछ रुकावटें आती हैं, लेकिन असल बात यह है कि हम उनका सामना किस तरह करते हैं। यहीं पर यह जुमला अहमियत रखता है, कभी हार ना माने। ये एक ताकतवर पैगाम है जो हमें हौसला देता है कि हमें अपने ख्वाबों के पीछे भागते रहना चाहिए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। एक हिम्मत और अज़्म की ताकत। कभी हार ना मानने का मतलब है कि आप अपनी हिम्मत और अज़्म को कभी कमजोर नहीं होने देते। ये जिंदगी का एक अहम सबक है। बहुत से लोग अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जिदोजहद करते हैं, लेकिन नाकामी की सूरत में कुछ लोग हार मान लेते हैं। ऐसे में हमें यह याद रखना चाहिए कि नाकामियां भी कामयाबी का हिस्सा हैं। दो मिसालें। तारीख में कई अजीम लोगों की मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने हार नहीं मानी। इनमें से चंद मशहूर शख्सियात ये हैं। थॉमस एडिसन। जब एडिसन ने बिजली के बल्ब की इजाद की तो उन्हें 1000 बार नाकामी का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आखिरकार कामयाब हुए। जीके रूलिंग। हैरी पॉटर की मुसन्निफा जीके रूलिंग ने भी कई बार नाकामी का सामना किया। उन्होंने अपनी किताब के लिए मुतअद्दिद पब्लिशर्स से इनकार सुना, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज उनकी किताबें दुनिया भर में मकबूल हैं। तीन हार मानने के नुकसानात। जब आप हार मान लेते हैं तो ये सिर्फ आपकी कोशिशों का जिया नहीं होता, बल्कि ये आपकी खुद एतमादी को भी मुतासिर करता है। हर नाकामी के साथ अगर आप हार मान लेते हैं तो आप अपनी महारतों को भी खो देते हैं। ये याद रखें कि हर नाकामी आपको कुछ नया सिखाती है और आपकी शख्सियत को मजबूत बनाती है। चार हिम्मत की तजदीद। कभी कभी हमें अपनी हिम्मत को तजदीद करने की जरूरत होती है। अपने मकासिद की वजाहत करें और उनकी तरफ दोबारा तवज्जो मरकूज करें। अपने करीबी दोस्तों और खानदान के अफराद से मदद तलब करें। उनकी हिमायत आपको हौसला दे सकती है और आपको आगे बढ़ने का अज़्म अता कर सकती है। पांच कामयाबी की तारीफ। कामयाबी की तारीफ हर शख्स के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ लोग माली कामयाबी को अहमियत देते हैं, जबकि दूसरों के लिए जाती तरक्की या खुशी अहम होती है। अपने लिए कामयाबी की तारीफ तय करें और उसकी तरफ बढ़ते रहें। छह मुस्तकिल मिजाजी का किरदार। कभी हार ना मानने का मतलब मुस्तकिल मिजाजी है। ये आपको अपने मकासिद की तरफ मुसलसल पेशरफ्त करने में मदद देती है। मुस्तकिल मिजाजी से काम करें हता के जब चीजें मुश्किल लगें। ये अज़्म आपको मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगा। सात मुस्बत सोच। नेक सोच आपके अज़्म को बढ़ाती है। जब आप मुस्बत रहते हैं तो आपकी तवानाई भी मुस्बत होती है। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखें जो आपकी हौसला अफजाई करते हैं और आपकी कामयाबी की हिमायत करते हैं। मुस्बत माहौल आपको हार ना मानने की तहरीक देता है। आठ सबक सीखना। हर नाकामी के बाद ये जरूरी है कि आप सीखें कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं। अपने तजुर्बात का तज्जिया करें और उनसे सबक लें। यह सीखने का अमल आपको मजबूत बनाता है और आपको बेहतर फैसले करने की ताकत देता है। नतीजा कभी हार ना माने सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि एक फलसफा है जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हौसला देता है। इसकी ताकत को समझें और अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ते रहें। याद रखें कि नाकामियां आपकी मंजिल का हिस्सा हैं और हर बार हार न मानकर आप अपनी कामयाबी के करीब पहुंचते हैं। हमेशा आगे बढ़ने का अज़्म रखें, क्योंकि हर दिन एक नया मौका होता है।